शासन के निर्देश के अनुसार 55 घंटे का लॉकडाउन जो सप्ताह में 2 दिन लागू किया गया है, उनका लोगों से सख्ती से पालन कराने के लिए SP ट्रैफिक जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव खुद सड़क पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी TI और दरोगा को निर्देश दिए। निर्देश ये थे कि सड़क पर घूमने वाले लोगों से पूछताछ की जाए और बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों के लॉकडाउन उल्लंघन के चालान काटे जाए। सभी गाड़ियों के कागज तक चेक किए जाए, जिन गाड़ियों के कागज नहीं है उन गाड़ियों को तुरंत ही सील कर दिया जाए। लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शहर के मुख्य चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, जहां उन्होंने शिवरात्रि को लेकर भी बताया कि शिवरात्रि पर्व को लेकर भी हमारी ओर से व्यवस्था की गई है। सभी मंदिरों के बाहर बैरिकेडिंग और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे भीड़ एकत्र ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। लॉकडाउन के लिए कैसी व्यवस्था रही है, क्या दिशा निर्देश दिए गए? शासन के निर्देश पर जो 55 घंटे का लॉकडाउन आरंभ हुआ है, उसको सख्ती से लागू कराने के लिए हम लोग सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरा ट्रैफिक का महकमा मेरठ के विभिन्न रोड्स पर रहेगा। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनका चालान भी किया जाएगा, पेपर्स नहीं होंगे तो गाड़ी भी सीज की जाएगी। किस तरह का दिशा निर्देश सभी चौपलों को आपने दिया है? सभी पॉइंट्स पर जितना भी फोर्स लगा हुआ है, चाहे कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, TI, सभी को निर्देश दिया गया है लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करा और जो इसका वायलेशन कर रहा है उसको वैधानिक कार्रवाई करें। शिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि को लेकर क्या व्यवस्था की गई? वो अलग विषय है, शिवरात्रि के पर्व को लेकर के जहाँ जहाँ परंपरागत रूप से बैरिकेडिंग कराई जाती है वो बैरिकेडिंग करा दी गई है, फोर्स की व्यवस्था करा दी गई है और इंश्योर करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पूरी कार्रवाई की जाए।